आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल स्टेन फॉर कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर उनके लिए हम स्पेशल स्टेन पढ़ेंगे तो देखिए दो तरह की स्टेन होती है मैसोन ट्राइकोम और वैन वैनगेजन तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैसोन ट्राइकोम अब देखिए मैसोन ट्राइकोसोम मैसोन ट्राइकोम है क्या ये स्टेन है द स्टेन इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ मसल कोलाजन फाइबर कोलाजन एंड तो मैसौन ट्राइकोम जो कि अपने मसल्स की स्टेनिंग के लिए कोलाजन फाइबर के लिए कोलाजन के लिए फिबरीन और इलेक्ट्रोसाइड की स्टेनिंग स्ट्रेनिंग स्टेन के लिए काम आती है और ये थ्री कलर स्टेनिंग प्रोसीजर है जो कि हम स्टोलॉजी में यूज करते हैं ठीक है अब इसका प्रिंसिपल क्या है इट इज अ थ्री कलर पहले बात इट इज अ थ्री कलर स्टेनिंग प्रोसीजर यूज इन हिस्टोलॉजी प्रिंसिपल क्या है इसका तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ कोलाजन एंड अदर टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन द पोरोसिटी ऑफ टिश्यू एंड द साइज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल कोलाजन विथ लार्जर पोर साइज टेक्स अप लार्ज मॉलिक्यूल रेड डाई एसिड फ्यूशन इन एसिडिक मीडियम वाइल नॉन पोरस मसल्स स्टेन विथ मच स्मॉलर मॉलिक्यूल पिक्रिक एसिड तो देखिए इसमें क्या है पोरोसिटी ये मतलब है ना डिफरेंस लिस्ट नहीं मतलब होता है तो ये दो चीजों पे देखता है पोरोसिटी और साइज ठीक है अब देखिए जिसकी जितनी ज्यादा मतलब है ना पोरोसिटी होगी मतलब उससे जितने ज्यादा छेद होंगे छिद्र होंगे टिश्यू के अंदर ठीक है और कोलाजन के अंदर तो वो उतनी ज्यादा है ना मतलब है ना लार्ज मॉलिक्यूल में रेड डाई लेगा और उसको रेड डाई कौन सी होती है एसिड फ्यूशीन ठीक है और जितनी कम उसकी वो होगी पोरोसिटी तो क्या करेगा मतलब है ना उसकी मतलब वो मतलब है ना या फिर नॉन पोरोस होगा या फिर उसमें छेद नहीं होंगे छिद्र नहीं होंगे या फिर कम होगी पोसाइड तो वो है ना मतलब है ना स्मॉल मॉलिक्यूल लेगा जो कि पिक्रिक एसिड होंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई है ना मतलब किस तरह से क्या होता है तो यह इसके प्रिंसिपल है मैसोन ट्राइकोसोम में कि ये मतलब डिपेंड करता है कि पोरोसिटी और साइज ऑफ डाई मॉलिक्यूल अगर ज्यादा ज्यादा बड़े साइज है तो रेड मॉलिक्यूल लेंगे एसिडिक मीडियम में जबकि बाकी जो नॉन मीडियम है वो कि स्मॉलर साइज के होंगे और वो पिकरिक एसिड लेंगे और वो लेंगे एसिड फ्यूसिन अब इसका मेथड कैसे कैसे हम परफॉर्म करते हैं मैसोन ट्राइकोसोम तो सबसे पहले हम डी पैराफिनाइज सेक्शंस एंड टेक टू वाटर डी पैराफिनाइज मतलब क्या होता है जो कि है ना वैक्स से रिमूव होता है तो जो है ना वैक्स को रिमूव करके हम है ना उनसे मतलब सेक्शन्स को पानी में मतलब है ना डालेंगे फिर हम है ना उन पे क्या है जो ये होता है मरकरी पिगमेंट इसको बोला है जी पिगमेंट मरकरी पिगमेंट को हम रिमूव करेंगे किससे करेंगे आयोडीन से मरकरी पिगमेंट होगा इनके ऊपर उसको हम आयोडीन से रिमूव करके और सोडियम थायोसल्फेट के सीक्वेंस में डाल के और फिर मतलब है ना वॉश कर देंगे वाटर में तो सबसे पहले अपन ने क्या किया डीपैरफिनाइज किया सेक्शन को डीपैरफिनाइज किया वैक्स वगैरह निकाली फिर हमने पानी के अंदर मतलब है ना उसको अंदर डाला और फिर हमने मरकरी पिगमेंट को रिमूव किया टिश्यू के आयोडीन के सॉल्यूशन में फिर हमने ना सोडियम थायोसल्फेट के मतलब सीक्वेंस में डाला और फिर हमने वापस क्या किया वॉश कर दिया पानी में और फिर हम क्या करेंगे उसको उसके जो न्यूक्लियस होगा टिश्यू के या फिर सेल के उसको हम मतलब है ना करेंगे स्टेन करेंगे ब्लू हिमेटोक्सिन मैथड सिक्सटीन ब्लू हिमेटोक्सिन मैथड से हम उसके न्यूक्लियस को मतलब करेंगे स्टेन और फिर हमने जो स्टेन किया है तो अब उसके बाद हम प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है कि ज्यादा अगर एक्सेस में हमने कोई स्टेन को मतलब किया है मतलब डाई को निकालना एक्सेस डाई हो न्यूक्लियस के अंदर तो उसको निकालना तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक परसेंट एसिड के साथ वापस हम पानी के, के साथ डाल देंगे फिर हम तीन तरह के सोल्यूशन साथेन करेंगे पहला करेंगे एसिड फ्यूशन सोल्यूशन ए पांच मिनट के लिए फिर वापस पानी के साथ डाल देंगे फिर बी अपना बी सोल्यूशन होगा वो होगा फॉस्पो मोल्यूबिक एसिड और उसको भी पांच मिनट के लिए और फिर वापस हम मतलब ड्रेन कर देंगे पानी के साथ और फिर हम उसको मतलब ड्रेन कर देंगे और फिर हम उसको एक्सटेन करेंगे मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन ही पांच मिनट के लिए तो देखिए कौन कौन से तीन सोल्यूशन है पहला पहला ए वाला है एसिड फ्यूशिन पांच मिनट के लिए एसिड फ्यूशिन बी वाला कौन सा है फोस्पो मोलिबिक मौ, एसिड और सी वाला है मिथाइल ब्लू मिथाइल ब्लू

तो ये प्रोइर हो गया तो देखिए प्रोइजर कुछ नहीं है सबसे बहुत इजी प्रोसाइजर है सबसे पहले अपन ने क्या किया डिपेरामाइज किया फिर पानी के साथ धो दिया फिर अपन ने क्या किया पानी के साथ धो के मतलब है ना मरकरी पिगमेंट को रिमूव किससे किया आयोडीन से और फिर हमने सोडियम थायोसल्फेट के उसके मतलब है ना सोडियम थायोसल्फेट के सिक्वेज डाल के पानी के साथ धो दिया फिर अपन ने क्या किया डिफरेंस मतलब है ना अपन ने स्टेन किया न्यूक्लियस को किससे सिस्टीन मतलब है ना मैथड से फिर अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया और वो भी एक परसेंट एसिड अल्कोहल के साथ फिर अपन ने ना मतलब तीन सॉल्यूशन लिए देखिए पहला लिया एसिड फ्यूसिन दूसरा लिया पोस्पोमोलिबिक एसिड और तीसरा मिथाल सबके साथ पाँच पाँच मिनट के लिए और जैसे किया पानी के साथ धोया जैसे किया पानी के साथ धोया जैसे किया पानी के साथ धोया और फिर लास्ट में कुछ नहीं है एक परसेंट एसिडिक एसिड के साथ रीट किया दो मिनट के लिए और फिर हमने डिहाइड्रेट कर दिया और फिर ज़ाइलिन के साथ धोके माउंट कर दिया तो अब हम जैसे ही माउंट करेंगे तो हमें मसल है वो रेड कलर की दिखेगी और न्यूक्लियर ब्लू या ब्लैक और कोलाजन भी ब्लू या ग्रीन तो ये होगा रिजल्ट मैसोन ट्राइकोम का अब आता है हमारा दूसरा जो कि नाम कोलाजन और इलास्टिक में आता है वो है वैन ग्रीनसन ये भी स्टेन है जो कि कोलाजन फाइबर्स के लिए यूज़ होती है प्रिंसिपल दोनों का सेम है मतलब क्या है पोरोसिटी और मतलब साइज पे डिपेंड करेगा दोनों का और जिस जिसकी ज़्यादा पोरोसिटी मतलब है ना होगी लार्जर पोर साइज जो वो है ना लार्ज मॉलिक्यूल मतलब रेड कलर के लेंगे एसिड मीडियम और नॉन पोरोस होंगे जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल लेंगे पिक्रिक एसिड में और इसमें क्या होगा इसमें अपने कोलाजन दिखेंगे मैसोन ट्राइकोम में ब्लू और ग्रीन और इसमें कोलाजन दिखेंगे रेड कलर के न्यूक्लिया इसमें दिख रही थी ब्लू या ब्लैक इसमें अपने ट्राइकोम में इसमें दिखेगी न्यूक्लिया ब्लू कलर की और अदर टिश्यूज में येलो कलर के दिखेंगे मैसोन वैन ग्रीनसन में येलो या खाकी कलर के इसमें अपने है ही नहीं तो ये हो गया देखिए मसल इसमें रेड दिख रही थी इसमें मतलब अदर में आ गया था येल्लो कोलाजन रेड इसमें है इसमें कोलाजन रेड है इसमें ब्लू ग्रीन है ठीक मैसोन ट्राइकोम में कोलाजन ब्लू ग्रीन दिखेंगे वैन ग्रीन में कोलाजन दिखेंगे रेड न्यूक्लियस में ब्लू इसमें भी ब्लू ब्लैक तो ये हो गया अपना आज मतलब स्पेशल स्टेन फॉर कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर उसमें हमने मैसोन ट्राइकोम डिटेल में पढ़ा और वैन ग्रीन डिटेल में पढ़ा अब हमने अगला आएगा स्पेशल स्टेन फॉर लिपिड